फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज विशाल। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज 800 निकाला हूँ। आई थॉट आई विल टेक द 800 टुडे फॉर सम काम है, तो मैं बोला 800 में लेकर चलता हूँ, काफ़ी दिनों से चला नहीं है। तो गाइज, ऐसा है कि इट इज़ नियरली अ ईयर सिंस आई हैव सर्विस माई 800 ऑल्सो, एंड इसका भी सर्विस अब ड्यू है, सर्विस कराने का है। गाड़ी में वैसे देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आई जस्ट नीड टू डू द ऑयल सर्विस, जो मैंडेटरी रहता है ऑयल सर्विस कराना। गाड़ी चली है 2000 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 चलेगी, उसके ऊपर गाड़ी चली नहीं है। लेकिन एक साल हो गया या हो गया है, आई जस्ट डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, आई थॉट वी शुड गेट द कार सर्विस। दिक्कत में एक ही एक प्रॉब्लम आई बीन सीइंग, इट्स अ वेरी पिक्यूलर थिंग है। गाड़ी सवेर को जब मैं ऑन करता हूँ, व्हेन इट इज़ मॉर्निंग्स आर लिटिल कोल्ड, तो बेल्ट का आवाज़ आता है। एंड द मोमेंट अगर समझ लीजिए उसके ऊपर मैं थोड़ा पानी लगता है तो बंद हो जाता है, आता नहीं है आवाज़। तो आई थिंक द बेल्ट नीड्स टू बी चेंज, द फैन बेल्ट जो है दैट नीड्स टू बी चेंज। That I will know only once I take it to the workshop and लगा तो वो हाथों चेंज करा लेगा। Once the car becomes hot, the आवाज़ एकदम चले जाता है, but when the car is cold start करता हूँ, and that too on a little cold morning, तो sound is very very ज़्यादा दिखता आता है। और जब if when it's a hot day, I don't get that, so I don't know इसको ठंड लग रही है ना क्या है, बट यस द साउंड इज कमिंग। वो खाली एक है, बाकी दूसरा और कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं है। आई जस्ट गेट दैट ऑयल सर्विस, एंड एयर फिल्टर भी मैंने लास्ट टाइम चेंज कराया था, आई डाउट उसको भी चेंज कराने का ज़रूरत पड़ेगा। आई थिंक जस्ट क्लीनिंग इट वुड बी इनफ। तो ये कराना है, एंड जस्ट वेटिंग के टाइम मिल नहीं रहा है। हो गया, अगर कुछ एक दो दिन में टाइम मिल गया तो आई विल गेट द कार सर्विस। ये तो बात हो गई हमारी 800 के बारे में, एंड आई वांटेड टू शो यू समथिंग जो मैंने अभी लिया है, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू। तो वो मैं करूँगा आपके साथ में शेयर वंस आई रीच होम। मैं जस्ट अभी घर पहुँचा और मैं आपको बताने वाला था मैंने क्या चीज़ लिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर लिया था। आई हैव बॉट स्टैनली का स्पैनर सेट लिया है, आई जस्ट लव द स्पैनर सेट ऑफ दिस। ये 12 का सेट है एंड वेरी गुड क्वालिटी, आई लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द सेट ऑफ बेल, एंड इसमें शुरू होता है 6 mm से लेकर के हाईएस्ट इज 32 mm। सो गाड़ी के लिए, घर के लिए वेरी वेरी गुड स्टफ, मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड ये स्टैनली का 7380 करके है, अगर आपको एक और लेना हो तो आप ले सकते हैं, वेरी गुड क्वालिटी, आई लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस स्पैनर्स ऑफ स्टैनली का, वर्थ ऑल द मनी व्हाट आई स्पेंट फॉर। ये मुझे पड़ा अराउंड 500 rupees, एंड आई हैव बॉट इट इन अ लोकल स्टोर, यहाँ पर मैंने लिया है। तो अगर आपको लेना हो तो आप भी लोकल स्टोर से ले सकते हैं, या अमेज़ॉन, या यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ पर दिख जाए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, बट दिस आई परचेज्ड इन लोकल स्टोर। और इसमें MRP आप देखेंगे तो 900 rupees का है, बट मेरे को 500 rupees में कुछ मिला। सो दिस इज़ द वन, एंड अगर आपको लेना हो तो यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है 7380E। आप डालेंगे स्पैनर, 12 पीसीस का स्पैनर आ जाएगा, आई लव इट। तो ये एक चीज़ मैंने लिया था, बिकॉज आई डेंट हैव अ स्पैनर सेट, तो मैं बोला इट्स टाइम टू बाई अ स्पैनर सेट, तो जस्ट बॉट वन। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई बॉट इज, वाओ, ये आपको ऐसे दिखेगा नहीं, I'll show you, let me take the camera,
एंड इफ यू कैन सी तो आई हैव बॉट अ टूल बॉक्स, ये भी स्टैनली का ही है, आप देख सकते हैं दिस स्टैनली, एंड इसका भी आप देखेंगे क्वालिटी इज सुपर्ब, आई जस्ट लव द क्वालिटी ऑफ दिस। तो अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आई एम जस्ट, मेरे को एक एक चीज़ इसमें ठीक नहीं लगा, द साइज आई फेल्ट इट इज अ लिटिल स्मॉलर, दिस वॉज द साइज व्हाट आई गॉट, एंड दिस इज लाइक ट्विन हैंडल है एंड इट इज गॉट मल्टीपल बॉक्सेस। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट, सो ये ऐसे खुल जाता है, आपको दिखाता हूँ मैं पास से। हियर यू गो, तो ऐसा है टूल बॉक्स, आप यू हैव गॉट मल्टीपल, मतलब 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला है 5, तो यू हैव गॉट 5 कंपार्टमेंट्स इन दिस एंड रियली गुड। इसका जो बिल्ट इन फिनिशेज, आई जस्ट लव्ड इट, बहुत ही अच्छा बिल्ट है एंड फिनिशिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड यू वोंट बिलीव मी, ये जो चीज़ है दिस इज एक्चुअली वेइंग नियरली 4.5 किलो का वजन हो रहा है खाली द बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स का, एंड इफ़ यू फिल इट अप तो जो एक्स्ट्रा होगा वो अलग होगा, यू नो आई थिंक इट कैन टेक 50 किलोस तक के वजन आराम से ये ले लेगा। एंड दिस इज स्क्रैच प्रूफ बोलते हैं, इट वोंट गेट स्क्रैचेज एंड ऑल। अगर आपको मॉडल देखना हो तो आप वो भी देख सकते हैं, आई होप इट इज फोकसिंग, तो दिस इज द मॉडल। एंड ये जो चीज़ है दिस इज कॉस्टेड मी अराउंड 2000 रुपीज, दिस ऑल्सो वॉज बॉट इन अ लोकल स्टोर यहाँ पर। तो आई हैड बीन वॉन्टिंग अ टूल बॉक्स फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि आई वॉज रियली अनऑर्गेनाइज, आई वॉज जस्ट कीपिंग ऑल दिस स्टफ इन अ कार्डबोर्ड का जो बॉक्स आता है उसमें रखता था, एंड आई वॉज लॉन्गिंग टू हैव वन टूल बॉक्स, तो आई बॉट दिस स्टैनली। एंड मैंने ऑनलाइन चेक नहीं किया था, अगर आपको देखना तो आप देख सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर आपको शायद मिल जाएगा। आई हैव नॉट चेक्ड इट ओवर देयर, आई हैड जस्ट गॉन आउट एंड रैंडमली मैंने देखा तो इट वाज एन इम्पल्सिव बाय, तो ये और ये दोनों मैंने साथ में ले लिया। तो बस यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता था, तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करिए, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, वेयर योर सीट बेल्ट, ड्राइव सेफ एंड एंजॉय योर ड्राइव, बाय बाय।